22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर में विराजमान होने के बाद पूजा पद्धति जो है वो पूरी तरह से बदल दी जाएगी। अभी जो पूजा पद्धति है और रामलला के विराजमान होने के बाद जो है रामानंदी संप्रदाय के हिसाब से पूजा पद्धति होगी, जिसके लिए अर्चकों को अभी से ही उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जो है अर्चकों की भर्ती के लिए जो है आवेदन मांगे थे, जिसमें से 3000 लोगों ने आवेदन किए थे, उसमें में से महज 200 लोगों को जो है वो पास हुए थे, जिसमें से अब टोटल अगर बात करें तो महज 20 लोगों को जो है वो अर्चक के तौर पर नियुक्ति की गई है, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। रामानंदी संप्रदाय को पूजा पाठ की जो पद्धति होगी, जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसी प्रकार से जो है अब भगवान रामलला की आरती होगी, जिसके लिए जो किताब है वो पूरी तरह से तैयार की जा रही है, लगभग किताब तैयार हो गई है। 22 जनवरी 2024 को जब भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उस वक्त अयोध्या का जो नज़ारा होगा वो अद्भुत और अलौकिक होगा, जिसके लिए अभी से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाहे वो पूजा पद्धति को लेकर के हो या फिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो, पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट तैयार है। अब इंतजार है हर राम भक्त को, जब भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से ABP न्यूज़ के लिए ऋषि गुप्ता। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।